दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल मेहंदी है रोशनी वाली में पल्लवी और राघव के बीच में मंदार आ गया है, लेकिन अब कुछ ऐसा भी होगा जिसे जल्दी ही मंदार का भांडा तो फोड़ ही देगा राघव और सारी सच्चाई पल्लवी के सामने लाकर रख देगा कि ये दौरे पड़ना और ये उसके करीब आना, ये सब जो भी नाटक चल रहा है मंदार पल्लवी को पाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर पल्लवी और राघव के बीच में गलतफहमियाँ तो क्रिएट करने की काफ़ी कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा और इसीलिए मंदार अपनी जान देने की कोशिश करने वाला है और पल्लवी को अपने पास ही रखने के लिए सब ड्रामा चल रहा होता है। लेकिन अब पल्लवी को इस पर शक भी हो जाएगा कि ये सच में ड्रामा ही कर रहा है और यहाँ पर मंदार याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है, जबकि उसे तो सब कुछ याद है और यहाँ पर पल्लवी के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। तो दूसरी तरफ अब मिलने वाला है बिजनेस अवार्ड राघव को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर होने वाला है बिजनेस अवार्ड, जिसमें अब राघव को सबसे बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलने वाला है और ये एक बहुत ही बड़ी खुशी राघव की जिंदगी में आई है। और इसको अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मोड आएगा, जहाँ पर बिजनेसेस में भी काफ़ी कुछ चैलेंजेस राघव को फेस करने पड़ेंगे और पल्लवी उसकी मदद करती दिखेगी। तो वहीं पर यहाँ पर सनी और कीर्ति का सारा ड्रामा फ्लोप हो जाएगा, जो कि पल्लवी को और राघव को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर अब मंदार का जो ड्रामा है वो सारा फेस्टिवल में भांडा फूट जाएगा और शारदा भी साफ मना कर देगी पल्लवी को बार बार घर पर आने के लिए और कहेगी कि अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मंदार के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि अवार्ड नाइट में कैसे पल्लवी वापस राघव के पास पहुँचती है और स्टेज पर ही राघव का हाथ थामती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, जहाँ पर राघव से बिजनेस अवार्ड में उसकी वाइफ के बारे में भी पूछा जाएगा और वो पल्लवी साथ नहीं होने की वजह से काफ़ी उदास होगा, लेकिन पल्लवी शारदा के भेजने पर चली जाएगी राघव के पास और यहाँ पर उसका हाथ थामेगी सबके सामने।